हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से आईपीएल मैच 2023 प्रेडिक्शंस, 17th मैच है आज। आज 12 अप्रैल है। अभी तक मेरा, आप जैसा कि आप लोगों को पता है, 16 मैच में से 13 मैच का प्रेडिक्शन 100% ऑनलाइन करेक्ट हो चुका है। टोटल मिला के मेरा 77 प्रेडिक्शंस 100% ऑनलाइन सही हो चुका है 8 मंथ्स के अंदर, 8 महीने के अंदर राधे कृष्ण की कृपा से। इसका मतलब ये साबित होता है कि मैंने आज से 24 से 26 साल के बीच में जितना भी 50,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने न्यूमरोलॉजी करके दी है, उसका सारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन 100% सही है। इसलिए आज ही आपको मेरे से न्यूमरोलॉजी कराने की ज़रूरत है, आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी कराने की ज़रूरत है, और कंप्लीट न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट अगर बनवानी हो, एक बार इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है, जाकर पढ़ लो, देखो, नहीं समझ में आता है कॉल करो, मैसेज छोड़ो और अपने भाग्य को संभालो। कंसल्टेंसी के साथ साथ आप चाहो तो न्यूमरोलॉजी कोर्स भी सीख सकते हो। इस पर मैं एक वीडियो बनाकर दूंगा कि कौन कौन सा लोग न्यूमरोलॉजी कोर्स सीख सकता है, जो एक अच्छा ओकल्ट मास्टर बन सकता है, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोग की तरह बन सकता है, उसका भी वीडियो बनाकर दूंगा। लर्न करो, अर्न करो, अपना भी भाग्य संवारो, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स पे भाग्य संवारो, और लाखों लोगों के सुख शांति संबंधी कारण बनो। और आपको न्यूमरोलॉजी क्यों करानी चाहिए, वो भी पेड, पैसा देके, क्योंकि फ्री या सस्ती की चीज़ कभी किसी को प्यारी नहीं होती। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए ना कि आपके जीवन में बाधा आ रहा है, सब एफर्ट लेने के, 100% एफर्ट लेते हो, क्वालिफिकेशन है, खूब मेहनत करते हो, किस्मत और हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ चलना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, तब सफलता 80% सफलता नहीं, 100% सफलता मिलेगा, वो भी 20% इनपुट से। दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए बार बार अगर बाधा आ रहा है, रुकावट आ रहा है, डेली इनकम की कमी है, कॉन्स्टेंट इनकम की कमी है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, 6 साल से एग्जाम की तैयारी करो नहीं हो रहा है ना, बार बार 10 माह से 15 माह से रह जाते हो, कर्जा बढ़ गया, लोन बढ़ गया दुनिया भर का, बार बार जॉब चेंज कर रहे हो, बिजनेस फेल हो रहा है, 15 बार बिजनेस फेल हो चुका है, समझ लो कि आज आपका नाम अभी भी आपके डेट ऑफ बर्थ का फेवरेबल फ्रेंडली नहीं है। आज ही आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने की जरूरत है। कैंसर के थर्ड स्टेज की तरह नहीं आना, क्योंकि हम गॉड नहीं है, हम एक डॉक्टर की तरह हैं और ना ही जादूगर हैं। इसलिए सही समय पे आओगे, वक्त रहते सही समय पे कराओगे तो बुरा वक्त आएगा ही नहीं, है ना। बुरे वक्त में आओगे तो एक एक दिन एक एक महीने का सामान लगेगा, इस बात को समझना। अब चलिए बता दें कि आज का मैच कौन जीतेगा, CSK वर्सेस RR का है ना। यहाँ पे ये सब स्कोर देने का कोई मतलब नहीं निकलता, मैन कट का स्कोर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और कट जो है आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि इसके बेस पे का न्यूमरोलॉजी स्कोर के बेस पे जाएंगे। विनिंग फैक्टर्स आपको पता है, विनिंग फैक्टर्स क्या क्या होता है, टीम नेम, टीम नंबर, मैच लोकेशन, मैच ईयर, मैच डेट, मैच डे और सेवरल अदर फैक्टर्स हम लेते हैं। 35 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, कभी कभी तो बहुत आगे भी बढ़ जाता हूँ। 33 फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट करना पड़ता है, लूसो ग्रिड बनाना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाना पड़ता है, रिवर्स ग्रिड बनाना पड़ता है। इसमें जो है RR का कट जो है एकदम 0-0 आ गया है, गेटिंग माई पॉइंट। और CSK का नेचुरल बहुत ज़्यादा कट है, तो मैं RR का लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि आज के मैच में RR के जीतने की संभावना 100% है, रादर बरसते कि RR जो है फर्स्ट हाफ में नहीं सेकेंड हाफ में बैटिंग करेगा, तो RR के जीतने की संभावना 100% हो जाएगा, क्योंकि 0-0 कट आने के बाद, इसका 7 कट होने के बाद, है ना, इसका CSK का 7 कट है, उसके बाद भी अगर वो RR को हरा देता है तो RR का दुर्भाग्य ही कहलाएगा और कुछ नहीं कहलाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा न्यूमरोलॉजी ग्रिड ही गलत साबित हो जाएगा और लूसो ग्रिड ही गलत साबित हो जाएगा। इसका मतलब RR अगर आज सेकेंड हाफ में चेज करती है CSK को, तो जीतने की संभावना एकदम 100% हो जाएगा। अगर किसी भी वजह से अगर RR फर्स्ट हाफ में बैटिंग करती, तब जीतने की संभावना 50-50, कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कट हो, उसका अगेंस्ट कुछ हो जाता है, न्यूमरोलॉजी ग्रिड के अगेंस्ट कुछ हो जाए तो फिर कुछ भी करना मुश्किल है, है ना। 7:30 से मैच अगर 7:30 से 9:30 के बीच में अगर CSK खेलता है, है ना, तो रन बनने की संभावना हो सकता है 200 तक, आजकल देख रहे हैं 200 तक रन बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए आज भी, है ना। आज कायदे से 130-175 मैक्सिमम 180 तक रन बनना चाहिए, है ना। अब स्लो फास्ट स्लो रन बनेगा। 12 ओवर तक ऐसे ही रहेगा तमाशा, 15 ओवर तक रह सकता है, 5 ओवर करके। और सेकंड हाफ में अगर RR बैटिंग करती है तो जितने की संभावना 100% है, अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करती है तो 7:30 से 9:30 के बीच अगर बैटिंग करने का
टॉस जीत कर इन्होंने खुद बैटिंग ले ली, तब कहना बहुत मुश्किल है। तो 50-50% जीतने का संभावना हो जाएगी, है ना। 100 रन कोई भी नहीं बनाएगा, वैसे हमारी सारी टीम भाग्यवादी टीम में कुछ भी कर सकती है, बट नहीं बन रहा है अभी भी नहीं। दो तीन बार से मैं कह रहा हूँ तो नहीं बन पा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फादर किसकी कृपा है ना, उनकी वजह से, उनका जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। 50 रन बनाने की संभावना दोनों टीम की तरफ से 1-1 है, एक एक प्लेयर बना सकता है, और जितने की संभावना आर आर का है, लेकिन अगर सेकंड हाफ में बैटिंग किया तो, और अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग किया तो फिर 50-50, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि CSK भी एक बहुत मजबूत टीम है, बहुत बार चैंपियन रह चुकी है, गुजरात टाइटन्स भी चैंपियन रह चुकी है, मुंबई इंडियंस भी बहुत बार चैंपियन रह चुकी है, दो तीन टीम तो इतना बढ़िया टीम है ना जो बहुत ज़्यादा चैंपियन हो चुका है, उसके साथ अगर मैच होता है तो बहुत सोचना पड़ता है। जैसे कल के मैच में मुंबई इंडियंस बिल्कुल नहीं जीतने वाली थी, लेकिन कल जीत गई वो, तो ऐसा होता है कुछ फैक्टर्स छूट जाता है ना, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बट फाइनली आज के मैच में जो है आरआर के जीतने की संभावना है, अगर सेकंड हाफ में बैटिंग किया तो, अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगा तो फिर 50-50, फिर कहना मुश्किल है कि आरआर जीतेगा या नहीं जीतेगा, चाहे कितना भी कट क्यों ना हो। वैसे न्यूमरोलॉजी ग्रिड में आरआर का कट इस बार एकदम 0 है, पूरी संभावना है कि आरआर जीतनी चाहिए कायदे से। लेट्स सी फाइंड आउट क्या होता है ना, क्योंकि ये पूरा लक का गेम है, बहुत हाईली अनप्रडिक्टेबल गेम है, ऊपर से सारी इंडियन टीम खेल रही है, इंडिया में ही खेल रही है, इसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राधिका की कृपा से है ना 16 में से 13 मैच का अभी तक 100% करेक्ट हो चुका है, जो कि साबित करता है उनका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है। उनका कैलकुलेशन उसी दिन गलत होता है जिस दिन उनको किसी को हराना होता है या किसी को नुकसान कराना होता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। अगर इसको घमंड हो जाए कि हम सबसे बेस्ट हैं, है ना, जो ये बोलने लगता है कि ओनली आई एम द बेस्ट, फिर वो जो हैं फिर उसको बताते हैं कि नहीं तुम बेस्ट नहीं हो, मैं बेस्ट हूँ, इस बात को ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी इस साल पूरा 500 वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग, और न्यूमरोलॉजी अच्छे वक्त पे कराना है, सो दैट कि बुरा वक्त आए ही ना, इस बात को कभी नहीं भूलना है। धन्यवाद।